नमस्कार जय हिंद। इस वीडियो में 5 डायरेक्ट वैकेंसी की चर्चा करेंगे, इसके अलावा 4 गवर्नमेंट वैकेंसीज का भी चर्चा करेंगे जो कि बहुत एक्सक्लूसिव वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वैकेंसी से। शुरुआत करते हैं स्मार्ट इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनके वैकेंसीज में। इनके यहाँ 3 वैकेंसी आया है पूर्व सैनिकों के लिए और तीन लोकेशन के लिए है। बेहतरीन वैकेंसी है, डायरेक्ट है, तो इसमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर पूर्व सैनिक इच्छुक हैं। तो चलिए इनका क्या वैकेंसी है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है, 2 पोस्ट है इसमें। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए है, सैलरी एक एवरेज सैलरी है, इसे एवरेज ही कंसीडर कर सकते हैं, 17,500 के आसपास है। जो जॉब लोकेशन है वो राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के लिए है। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ, यहाँ से कॉल करके पूर्व सैनिक अगर इच्छुक हैं, इस लोकेशन के हैं, तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखते हैं दूसरा वैकेंसी, दूसरा भी पोस्ट जो है वो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए है। इसमें भी जो सैलरी है वो एवरेज है, 19,000 के आसपास। अब ये जो लोकेशन है रुड़की, हरिद्वार और भगवानपुर लोकेशन के लिए है। इसमें भी कॉन्टेक्ट नंबर सेम है, वही नंबर है। इसमें भी अगर पूर्व सैनिक इच्छुक है, जैसो हो ओआर हो, इसके लिए कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, इसमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। टोटल इसमें पोस्ट है 30 है। अब इसमें जो सैलरी है 18,000 पर मंथ है, एज इसमें 50 इयर्स तक का है। अब इसमें जो एरिया है वो बरेली का एरिया है, लोकेशन बरेली का है, ये केवल पूर्व सैनिकों के लिए है। अब इसमें चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां चाहिए। इसके अलावा वहां रहने के लिए फ्री अकोमोडेशन है, एयर कंडीशन रूम फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पर पूर्व सैनिकों के लिए। अगर इच्छुक है पूर्व सैनिक तो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, जो डायरेक्ट वैकेंसी है वो आया है AWPO की तरफ से, और ये AWPO पुणे में की तरफ से निकाला गया है। रिक्रूटमेंट इन वेस्टर्न रेलवे जिसमें 39 पोस्ट है, सेंट्रल रेलवे 210 और DFCCIL जिसमें 50 वैकेंसीज हैं। ये टोटल गेटमैन की वैकेंसी है, ये मुंबई लोकेशन के लिए है। अगर और इसके लिए रिक्रूटमेंट रैली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ पे? मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर अहमदनगर, यहाँ पे 18 अप्रैल 2023 को ये रिक्रूटमेंट रैली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टाइम है 9 बजे मॉर्निंग से लेके 4 PM तक, यानी शाम को 4 बजे तक ये ऑर्गेनाइज होगा। जब से सैलरी की बात की जाए 33,000 पर मंथ, 1 डे वीकली 1 दिन ऑफ रहेगा, और जो एज है 54 साल तक पूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नहीं करना, यहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली है, अगर इच्छुक है तो वहां जाके आप इसमें रैली को अटेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स यहाँ आप चेक कर सकते हैं, जो भी फौजी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना होगा। कैंसिल चेक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार, पैन, आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन बुक यानी डिस्चार्ज बुक और PPO। कॉन्टैक्ट नंबर से अगर ज्यादा जानकारी प्राप्त करना है इसके संबंध में, तो कॉन्टैक्ट करके ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है। ये बेसिकली जो लोकेशन है ये मुंबई लोकेशन के लिए है, गेटमैन के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया है वो चेकमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है, और ये भी वैकेंसी जो है वो गेटमैन के लिए ही है। अब इसमें जो सैलरी है वो भी ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस का मतलब हो गया इंक्लूडिंग PF, 33,000 है पर मंथ। इसमें भी एज बार जो है वो 54 इयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 200 है। अब इसमें जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन, वो इस्लामाबाद में था मुंबई के लिए, और ये अहमदाबाद रेलवे डिवीजन के लिए है जो कि गुजरात में है, तो ये गुजरात के लिए है। यहाँ भी सेम है, आपको जो अगर जाना चाहते हैं तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करके जाना होगा। यहाँ कुछ कॉन्टेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और यहाँ पे कोई अगर क्वेरी है तो क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं विद नेम। अब देखते हैं, ये था, ये तो जो थे 5 ये डायरेक्ट वैकेंसी थे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी का। तो स्टार्ट करते हैं DSC बहाली की तरफ से। तो जो फर्स्ट जो DSC का जो एनरोलमेंट है, रैली है, ये कहाँ पे है? AD सेंटर में है, और यहाँ पे जो रिपोर्ट करना है 19 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट करना है पूर्व सैनिक अगर इच्छुक है तो। और यहाँ पे सोल्जर GD और क्लर्क का वैली है। सोल्जर GD के लिए यहाँ कट ऑफ डेट दिया हुआ है 24 अप्रैल 1977 होना चाहिए। उसके बाद क्लर्क के लिए 24 अप्रैल 75, ये जो है इससे बिफोर का जन्म नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का नहीं होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर कुछ नॉर्म्स दिया हुआ है, जैसे जीडी के लिए 2 साल होना चाहिए एसओएस से, रिटायरमेंट से 2 साल, और अगर क्लर्क के लिए जाना चाहते हैं तो विद इन डेट ऑफ एसओएस 5 ईयर्स का दिया हुआ है, रिटायरमेंट से 5 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कट ऑफ डेट भी दिया हुआ है बिफोर 2018, और अगर एसओएस जीडी जीडी के लिए जाना चाहते हैं तो बिफोर अप्रैल 2021 के बाद वाले होने चाहिए। आप देखते हैं कुछ अगला जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो कहां कहां से आया है। नेक्स्ट है एनटीपीसी लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से, ये एक एक्सक्लूसिव वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपके पास बीई या बीटेक का डिग्री है इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप 60% मार्क्स तो इसके लिए एप्लीकेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सैलरी भी इसमें बहुत बेहतरीन है। पूर्व सैनिकों के लिए कोई आवेदन शुल्क इसमें नहीं है, डायरेक्टली इसमें ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया है वो आया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसमें जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर का। अब देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो पूर्व सैनिकों के लिए बेहद मतलब कम है, टोटल वैकेंसी ही इसमें 45 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहेगा, और एक सर्विसमैन के लिए भी इसमें छूट है अस्पर, और इनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। कोई भी ग्रेजुएट या डिफेंस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो जो एग्जाम्स होगा वो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन भी फिल होंगे, आईबीपीएस के द्वारा इसके इसका जो एग्जाम्स होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है गवर्नमेंट वैकेंसी वो है सीजीएल के लिए। अब सीजीएल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, और इसका जो लास्ट डेट है वो है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट का जो है वो 5 मई 2023 है, और विंडो क्लोजिंग का है 7/5 यानी 7/5 से फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए, यानी 4 मई से पहले आप इसको आवेदन को ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर लें। ग्रुप सी के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं, सीजीएल के लिए ग्रुप सी के लिए अगर पूर्व सैनिक है इसमें लिए कोई आवेदन शुल्क इसमें नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है।